अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग का ईद कैसा गया? उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गई होगी अपने प्यारों के साथ। खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए लाखों जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और जब तक आपकी जिंदगी रही हर साल आप कुर्बानी करते रहे और सहाबा किराम को उसका ताकीदी हुक्म देते रहे। कुर्बानी एक इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त इखलास है। ईद की नमाज की अदायगी के बाद, कुर्बानी के बाद सबसे पहले बनाते हैं कलेजी। मुझे कलेजी बनानी थी, बहुत स्पाइसी लेकिन इजी बट विदाउट मसालों वाली। तो मैंने सबसे पहले इसको वॉश करके कुकर में ऐड कर दिया। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एंड सॉल्ट और 1 सीटी में इसको बंद कर दिया। दूसरी तरफ कढ़ाई में ऐड किया मैंने घी। घी में ऐड कर दिया बॉयल कलेजी। उसको 3 से 4 मिनट तक घी में अच्छे से फ्राई किया। देन ऐड कर दिया क्यूब स्लाइस्ड 3 टोमेटोज। उसको 4 से 5 मिनट तक मैंने कलेजी के साथ भूना। देन ऐड दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। सॉल्ट के बाद मैंने इसको अच्छे से वापस से 3 से 4 मिनट फ्राई किया। इस स्टेज पे ऐड कर दिया 1 टीस्पून कुटा हुआ लाल मिर्च और आखिरी स्टेज पे ऐड कर दिया मैंने अच्छा फ्लेवर लाने के लिए 3 ग्रीन चिलीज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था कुछ इस तरीके से। और इसको 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छे से कुक किया। देन 2 मिनट्स के लिए कवर कर दिया और बहुत ही फ्लेवरफुल इजी सा स्पाइसी कलेजी तैयार था परांठे के साथ। दूसरी तरफ फटाफट तैयारी शुरू कर दी मटन कढ़ाई की। मटन को वॉश किया, कुकर में ऐड कर दिया मैंने 2 मीडियम साइज अनियन स्लाइस किए हुए, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 सीटी क्योंकि मटन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता है। हमारे अनियंस गल चुके थे और जितना रोगन था वो भी बिल्कुल अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मैंने 1/2 kg टोमेटोज लिए हैं क्योंकि हमारा जो मटन कढ़ाई है वो इन टोमेटोज की वजह से ही बनेगा। सबसे पहले कढ़ाई में आपने ऐड करना है घी। घी में ऐड करना है ये मटन। मटन के ऊपर आपने टोमेटोज को ऐड कर देने और उसको अब कुछ नहीं करना है। अब आपने सिर्फ उसको 20 से 25 मिनट के ये मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। देन आपकी इस तरीके से कुछ शक्ल दिखेगी मटन कढ़ाई की। लास्ट में ऐड कर देना है लाजमी तौर पे ग्रीन चिलीज, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ अब जाएगा जान तड़के का। तो तड़के के लिए मैंने घी ले लिया है और इसमें जूलियन कट मैंने ले लिया जिंजर और ग्रीन चिलीज और तड़का भी तैयार है और आपकी मटन कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ मैं। Thank you for watching my happy videos. Take care. Allah Hafiz. Don't forget to like, share, subscribe.